सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आपने मेरी पहली वीडियोज़ देख ली होंगी, जो मैंने चैप्टर 10 से पहले चैप्टर 9 तक की वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डोंट वरी, मैं आपको उनकी 9 की 9 वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से आके ईजिली विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आपके बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारा चैप्टर 10 है और उसका नाम है आपका लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला पॉइंट आता है वो आपका प्रॉपर्टी ऑफ लाइट आता है, एंड जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही होगी तो डोंट वरी, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से कि ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आएगा आपके पास। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कैरेक्टर ऑफ इमेज। ठीक है दोस्तों, फिर आपका कुछ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कंकेव मिरर। ओके दोस्तों, ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए। फिर आपके आता है रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कंकेव मिरर। ओके दोस्तों, ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेने हैं सारे। फिर आपके कुछ यूज आते हैं कंकेव मिरर के, क्या क्या यूज होते हैं, एंड फिर रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर आता है फिर आपका कनकेव के बाद। ओके फ्रेंड्स, फिर आपका आता है रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। फिर आप इसके भी कॉनकेव मिरर की तरह यूजेस हैं, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर के भी कुछ यूजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करे जाते हैं कन्वेक्स मिरर, ये आपने पढ़ लेना है। मैं आपको पूरा नहीं पढ़ के बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। ओके फ्रेंड्स, फिर आपके कुछ मिरर फॉर्मूला है, जैसे कि 1/V + 1/U = होता है आपको 1/F। ओके फ्रेंड्स, एंड मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर भी है आपका। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा चला आपका रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट, जो है रिफ्रैक्शन। इसके भी कुछ यूज होंगे, इसके भी कुछ लॉज होंगे, इसके अब यहाँ पे आता है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब ग्लास, ग्लास स्लैब। ओके फ्रेंड्स, फिर आपके रिफ्लेक्शन की तरह इसके भी कुछ रूल हैं रिफ्रैक्शन के, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेने हैं आपके अच्छी तरह से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके स्फेरिकल लेंस के बारे में बताया गया है। फिर आपका जो अगला पॉइंट आता है उसका नाम है रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी अब कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो रे डायग्राम होते हैं उसे कैसे होता है इमेज। यहाँ पे आपको सारी इमेज मिलेंगे 6 की 6। फिर आता है आपका रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। ओके फ्रेंड्स, और फिर आपका आता है रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। फिर आपके यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट हैं, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, फिर आपका इसमें लेंस फॉर्मूला आता है, फिर आपका रहता है मैग्निफिकेशन का, फिर आपका पावर ऑफ लेंस क्या होता है इसके बारे में बताया गया है पूरा। दोस्तों, यहाँ पे मेरे नोट्स खत्म होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपके आते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स के। ओके फ्रेंड्स, और ये आपके मल्टीपल हैं। फिर आपके कुछ फिलअप आ जाते हैं, फिर आपके आते हैं आंसर्ड इन 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में आपके जो आंसर होते हैं। तो दोस्तों देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका ये CBSE 2017 में आ चुका है, ये वाला भी 17 में आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, फिर आपके कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके आप दे सकते हो पूरे यहाँ पे 2018, 18, 17, 16 आपके इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे ही आपने पढ़ लेने हैं, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ पे मेरी होती है वीडियो ख़त्म। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपलोड करता रहता हूँ, और मैंने 10th क्लास की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें ये 10 की 10 वीडियो आपको जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। मैं 16 जितने चैप्टर हैं, 60 चैप्टर में आपको उसकी पूरी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर दोस्तों अगर मैंने आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो जाकर मैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास ये लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपके पास मिस ना हो सके।
अगर दोस्तों आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।